क्योंकि राम का नाम ही इतना बड़ा है तो जर्नी छोटी हो नहीं सकती और आसान नहीं हो सकती। हम श्री राम की यात्रा का मार्ग देखें तो कहाँ से 14 वर्ष तक क्या क्या सहा, क्या क्या नहीं कहा, तो उनको लिखने की जर्नी भी आसान तो नहीं है। पर अनुभव हो रहा है कि जो कुछ उन्होंने सीखा, भोगा, पाया, दुनिया को सिखाया, उसका कुछ उनको मिल रहा है। तो वाकई में कमाल कर रहा। और यूथ के लिए हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो सीखनी है, राम और रावण दोनों की राशि एक है, दोनों बराबर बलि हैं, दोनों के साथ जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, पर डिपेंड है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जहाँ इंसान टूट जाता है वहाँ श्री राम ने जुड़ना सीखा, जोड़ना सीखा, तो अयोध्या त्याग के वनवासी होकर भी वो दुनिया के मन में समा गए और रावण दश लोक पाकर भी वापस से उसे वध सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, बदनामी सहनी पड़ी। तो इंसान कुछ भी हो, इंसान पैदा होता है, अपनी भावनाओं का सुर साध ले तो वो देवता बन जाता है, श्रीराम बन जाता है। अपनी भावनाएं साध ना पाए, सुर ना साध पाए, तो रावण बन जाता है। कोई भी अगर ये चीज़ समझ सकता है और अपने अंदर छिपे, अपने अंदर रहे राम को अगर वो निकाल पाते तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बजट लगाएगा, अच्छा बजट लगाया। अब ये आपको भी पता है कि मैं आपको बता नहीं सकता किसी को, पर आई थिंक जितने बजट की ज़रूरत है इस तरह के शो के लिए, मुझे लगता है इतना इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ मेकिंग में नहीं है, उसके मार्केटिंग में भी है, उसके प्रमोशंस में भी है। तो मुझे लगता है कि बजट से ज़्यादा इस पे हम सबकी सबका फेथ है और सबकी भक्ति लगी हुई है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। बजट तो हर प्रोडक्ट पे लगता है पर विश्वास बजट से बड़ी चीज़ है और वो हमारा लगा हुआ है इस पे, मोर देन द बजट, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत। जब सेड एंड सोनी टीवी जी ने हमको जब सब बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, एक वापस वो दौर लाना चाहते हैं, तो हमने बोला कि ये ऑथेंटिक बनाएंगे, इतना ऑथेंटिक बनाएंगे कि अगर वो वहाँ उस ज़माने में वो पत्थर यूज़ किया गया होगा तो हमने इतना रिसर्च किया कि वही पत्थर यूज़ करे, और अगर सोने की लंका बोले तो सोना दिखना चाहिए, उस हिसाब से हमने बहुत डिविएट नहीं किया, बहुत रियल जोन में गए हैं, बी एट द कॉस्ट्यूम, बी एट द लुक एंड फील, जैसे कहानी लिखी जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं, उस सब में ये सेट भी रियल लगना चाहिए। तो हर चीज़, अयोध्या का सेट एक अलग जोन में है, मिथिला एक अलग जोन में है, तो हमने बहुत रिसर्च की है कि अगर मिथिला होएगा तो कहाँ होगा, तो उस दौरान क्या एरा में क्या क्या यूज़ होते थे, लकड़ा यूज़ होता था, पत्थर यूज़ होता था, तो वो सब ऑथेंटिक वे में हमने ये सब सेट बनाया। देखिए आप अभी आपको मैं कुछ बोल दूंगा तो आप गुस्सा हो जाओगे, पर आप कब तक गुस्सा रहोगे, उसके बाद कभी तो शांत हो गए ना, तो ऐसे ही रावण भी है, गुस्सा भी होता है, शांत भी होता है, हंसता भी है, नॉर्मल। जब आप सुबह उठते हो अगर आप गुस्सा हो तो आप दिन भर गुस्सा थोड़ी रहोगे, तो ये नॉर्मल इंसान की तरह होता है। अगर आपके यहाँ पे किसी की डेथ हो गई, आप एक दिन रोगे, दो दिन, उसके बाद शांत हो जाओगे ना, ऐसा ही रावण है, उसके लेयर्स हैं, जैसे हम हैं वैसा ही वो है, और उसी तरह हमने कोशिश किया उसको उनको उसको दिखाने के लिए कि जो भी है वो क्यों है, क्यों से कहानी बदल जाती है, और जो हमारा वो सब ये भाई साहब की बदौलत है, इनका जो क्यों इतना पावरफुल आता है, और जो जिसकी वजह से हम उस चीज़ को बता सकते हैं कि ये गुस्सा हुआ, इसने मारा, क्यों मारा, इसने ये किया, क्यों किया, तो वो चीज़ को हम आपस में भी बात करते हुए चलते हैं, हर बार हर रोज़ हम बैठते हैं उसके बारे में बात करते हैं ताकि सही चीज़ बाहर आए। तो जहाँ तक किरदार निभाने का सवाल है, ऑब्वियसली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत आसान नहीं है किरदार, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि उसको जितनी अच्छे से मैं कर पाऊँ करूँ। मेकअप वगैरह में कितना टाइम लगता था उसमें, अगर आप कर रहे जी क्या? इतना टाइम नहीं लगता जितना, जैसे अगर हम नॉर्मल फिल्म के हिसाब से सोचें तो शायद 15-20 मिनट ज़्यादा बस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू शो। आपका जो कैरेक्टर है हनुमान जी का, एक काफ़ी यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ कैरेक्टर है, तो आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर किए हैं इस कैरेक्टर को फैंस तक पहुँचाने के लिए? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। ये करैक्टर मैंने काफ़ी बार किया हुआ है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सोनी टीवी का और सिद्धार्थ सर का, जो जिन्होंने मेरे को रामायण जैसे इतने बड़े शो के अंदर हनुमान जी की भूमिका निभाने का मौका मिला है मेरे को। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने आँखों से सारी चीज़ें, आँखों के माध्यम से आप लोगों को अपने जो फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही हैं वो एक्सप्रेस कर पाऊँ, बता पाऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर प्रोस्थेटिक लगा रहता है,
तो मेरी आंखों से आपको पता चले कि मैं हंस रहा हूँ, कि मैं रो रहा हूँ, कि मैं गुस्से में हूँ, ये सारी भावनाएं जो हैं मैं आपको अपनी आंखों से बयां कर पाऊँ, इसकी मैं बार बार कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से मैं इस करेक्टर को निभा पाऊँ और डीपली सबसे पहले खुद फील कर पाऊँ और फिर ही मैं आपको ज़्यादा फील करा पाऊँगा। अगर मैं खुद हनुमान जी जैसा नहीं दिखूँगा, उनकी हल्की सी भी छवि खुद के अंदर महसूस नहीं करूँगा, तो मैं फिर आप लोगों को कैसे इस करेक्टर के करीब लेके जा पाऊँगा। तो कोशिश यही करता हूँ मैं खुद पहले अपने आप को स्वच्छ करूं, फिर मैं आप सब लोगों को बता पाऊं। आपका नाम निर्भय है जी, और हनुमान जी निर्भय ही जाने जाते थे जी। इस कोइंसिडेंस को आप कैसे देखते हैं? वही कि शायद बचपन से ही हनुमान जी की मेरे पे कृपा है, एक नज़र है, और मैं अपने नानी के साथ भी मंदिर जाता था मंगलवार को, और मेरे को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद थे, मैं कई बार चोरी करके भी खा लेता था, पंडित जी का ध्यान इधर उधर होता था तो और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरे को हनुमान जी का कैरेक्टर और सोनी टीवी पे और स्वास्तिक प्रोडक्शन, जिसे माइथो का किंग कहते हैं, इतने बड़े बड़े शो स्वास्तिक प्रोडक्शन ने बनाए हैं, सिद्धार्थ सर ने बनाए हैं, उनके साथ इतना बड़ा शो करने का मौका फिर से मिलेगा तो बहुत अच्छा मेरे को महसूस हो रहा है। आप अलग से किरदार निभा रहे हो, तो इस एक किरदार निभाने में आपको कितना मज़ा आ रहा है? मुझे एक्चुअली अपने करियर में बहुत कम रोल हैं, 2-3 रोल हैं जो करने में बहुत मज़ा आया था, उनके बाद अब फाइनली आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम रियली 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 हैप्पी कि मुझे कैकेयी का रोल मिला है। सुनने में बहुत अजीब लगता है बिकॉज कैकेयी का जो कैकेयी की जो छवि है लोगों के दिमाग में वो पिछले जो जिस तरीके से उन्हें दर्शाया गया है उससे बहुत अलग है, बट श्रीमद् रामायण में बहुत अलग तरीके से कैकेयी को दिखाया गया है। आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली हैप्पी कि मैं निभा पा रही हूँ ये किरदार। मैं तो इनके साथ महाभारत कर ही चुका हूँ पहले, लेकिन महाभारत के बाद 10 साल महाभारत हो गए, मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि हम श्रीमद् रामायण बना रहे हैं तो आप आइए मिलिए, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा उसमें, राम तो मैं कर नहीं सकता। तो बोले नहीं, मुझे लगा शायद रावण क्यों, तो बोले नहीं हम चाहते हैं कि आप दशरथ करें। दशरथ तो कुछ करने को क्या होगा, बोले नहीं आप आके मिलिए तो सही। तो मेरे रिएक्शन भी कुछ इन जैसा ही था, तो मैंने कहा ठीक है मैं मिल लेता हूँ। मैं गया और फिर उन्होंने नरेट किया, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतवर्ष के 2 ही महाकाव्य हैं, महाभारत जो मैं कर चुका हूँ और अब रामायण कर रहा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। और जब इन्होंने मुझे नरेशन दिया और मुझे बताया कि दशरथ की कहानी हमारे इस शो की जो शुरुआत दशरथ से होती है और दशरथ का जो किरदार है वो दशरथ कैसे बने, पहले उनका क्या नाम था, उस पूरी कहानी, फिर एक वॉर है उस युद्ध के अंदर में कैकेयी और दशरथ दोनों जाते हैं और क्या होता है, वो इतनी सुंदरता से उन्होंने लिखा है और वैसे ही हमने उसे फिल्माया भी है, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं ये कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। आपका नाम निर्भय है,